बॉक्स ऑफिस पर बीते सप्ताह पहले 5 फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गईं, लेकिन इससे उन फिल्मों का कितना नुकसान हुआ है जिसे सिनेमा सेंटर नहीं मिल पाए हैं, ये हम आपके लिए आज एक खास रिपोर्ट में खास शख्स की जुबानी लेकर आए हैं। दरअसल हाल ही में नचनिया फिल्म बिहार में सिनेमा सेंटर ना मिलने के कारण झारखंड और उत्तर प्रदेश में रिलीज की गई और आज से रिलीज हो रही है बिहार के सिनेमाघरों में, जिससे गुस्सा हुए इंडस्ट्री के एक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश जैस ने क्या कुछ कहा है देखिए। गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक बार फिल्म देखिए, आप लोग ट्रायल में आते हो तो पूरा शो नहीं देखते हो, इंटरवल में भाग जाते हो आप लोग। हम हाँ जी नहीं, समोसा खा के निकल जाते हैं, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि आप लोग के पास एक ही शाम में 3 इंटरव्यू होता है, कवर करना है। नहीं नहीं, मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन हम दिखाना क्या चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी शिकायत भी दर्ज कीजिए। आप लोग अगर 3 घंटा हमारे सिनेमा को दे ही नहीं सकते तो हमारे इतने सारे फुटेज काट कर क्या फ़ायदा। आप लोग जब खुद नहीं देखेंगे तो ऑडियंस को कैसे बताएंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरी चीज इस तरीके से इस बात को कहता हूँ कि हम क्या देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप क्या कहते हो वो जरूरी है। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कहते हैं उसको दर्शकों तक हम पहुँचाएं। हम क्या देखते हैं हमारी बात है, वो बात की बात है, सेकेंडरी है। मैं जवाब दूँ आपको, आपका देखना भी उतना ही जरूरी है जितना दर्शकों को बताना, आपका भी देखना उतना ही जरूरी है जितना दर्शकों को बताना। जब आप देख लेंगे तो आपके अंदर का विश्वास पैदा होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने पिछले एक साल में 3 घंटा किसी एक सिनेमा को दिया है, ये मेरा आरोप भी स्वीकार करें। इसको इस पे आप सोचें, अगर जो फिल्म हिट हो जाती है उसी फिल्म को एक बार देख लीजिए ताकि एक फार्मूला तो पता चले ना। आप हिट देखने जाते हैं ना फ्लॉप देखने जाते हैं, आप शो के पहले आते हैं, शो के बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। आपकी आवाज़ बड़ी बड़ी बुलंद है, लेकिन इस बुलंदी का मतलब ये नहीं कि सच्चाई से आप मुंह मोड़ लेंगे। मैं ये कहूँगा कि हर छोटे से छोटे हर स्ट्रगलर आर्टिस्ट से लेकर एक सीनियर सुपरस्टार तक के कम से कम हर बार में हम एक साल में 300 से ज़्यादा इंटरव्यूज करते हैं, मुझे लगता है वो काम ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली। एक मिनट, आपने सच्चाई एक्सेप्ट किया है। इन्होंने कहा है कि साल भर में 300 फिल्मों का ये कवरेज करते हैं, 300 फिल्में रिलीज होती है और 300 फिल्में ये कवरेज करते हैं, तो इनके पास 3 घंटे का समय कहाँ से आएगा। सर आप बिजी हो सकते हो, लेकिन जिस सिनेमा से बिजी हो उसको 3 घंटा आपको भी देना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपकी रिक्वेस्ट, आपकी बात सही है बिल्कुल। और हमने लोहा पहलवान में इन तमाम लोगों से इसीलिए काम भी करवाया था, मैंने कहा कि आप लोग मीडिया पर्सन हो, आप लोग अपना प्रचार करो ताकि हमारा भी फिल्म के बारे में कुछ पता चले लोगों को।